हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के बारे में लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आईटीआई क्या होता है आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक ऐसा फील्ड है जहां पर टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स सेल्फ रिलय बन सके आई टी आई इस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डी के जनरल गाइडेंस पर ऑपरेट होता है डी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल एजुकेशन को मिलाकर आईटीआई कोर्स डिफाइन होता है आई में कई सारे ट्रेड है जैसे कि इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक मोटर व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेशीनिस्ट आर एन फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स डीजल मैकेनिक एक्सेट्रा अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में आई टी आई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एक ऐसा प्रोफेशनल टेक्निकल ट्रेड है जहाँ पर स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिकल वायरिंग और इक्विपमेंट पर काम करने का मौका मिलता है इस कोर्स में स्टूडेंट्स को नॉलेज दिया जाता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वायरिंग सेफ्टी और अदर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में इलेक्ट्रिशन को अपने क्वालिटी ऑफ वर्क पर जज किया जाता है इलेक्ट्रिशियन को हाई क्वालिटी ऑफ वर्क के साथ साथ ऑनेस्टी एक्यूरेसी और सेफ्टी का भी ध्यान रखना ज़रूरी है जहाँ तक एलिजिबिलिटी की बात है तो आई टी आई इलेक्ट्रिशियन कोर्स में दाखिले के लिए टेंथ क्लास पास होना कंपलसरी है चाहे वो एस एस सी बोर्ड हो या फिर सी बी एस ई बोर्ड हो आई टी आई इलेक्ट्रिशन कोर्स टू ईयर्स का होता है इस टू ईयर्स आई टी आई इलेक्ट्रिशन कोर्स के बाद आप अप्रेंटिस कर सकते हैं जो कि छः महीने से तीन साल के बीच का होता है सब्जेक्ट्स तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में है वो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थियरी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इलेक्ट्रिशियन ट्रेड प्रैक्टिकल जहाँ तक सिलेबस की बात है तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है सेफ्टी मेजर्स बेसिक हैंड टूल्स कंडक्टर्स बेसिक इलेक्ट्रिसिटी रजिस्टर डीसी मशीन्स एंड मोटर्स वायरिंग ट्रांसफॉर्मर्स एंड आल्टरनेटर एंड सेकेंड ईयर का सिलेबस है वाइंडिंग इंडक्शन मोटर्स मशीन वाइंडिंग पावर जनरेशन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स रेक्टिफायर्स ट्रांसस्टर्स एम्पलीफायर्स पावर कंट्रोल एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रीशियन के थ्री लेवल्स होते हैं पहला है अप्रेंटिस दूसरा है जर्नीमैन और तीसरा है मास्टर इलेक्ट्रीशियन यहां पर वर्कशॉप के ट्रेनिंग पैनल्स आप देख सकते हैं यहां पर ट्रेनिस्ट हाउस वेरिंग की प्रैक्टिस करते दिख रहे हैं ट्रेनिस को यहाँ पर फील्ड प्रैक्टिस कराया जा रहा है स्टूडेंट्स का वीकली टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिशियन के कई सारे रेस्पॉन्सबिलिटीज होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम और कंपोनेंट्स को इंस्टॉल करना मेंटेन करना उनको इंस्पेक्ट करना किसी प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करना और उनके ऊपर वर्क करना अकॉर्डिंग टू कोड्स ब्लूप्रिंट्स और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक टेस्टिंग करना उनका कंप्लीट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना कैलिब्रेशन प्रीवेंटिव मैंटेनेस एक्सेट्रा जहाँ तक कैरियर्स की बात है तो बी एच सी एल गेल रेलवे स्टील अथॉरिटी डिफेंस इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट एन टी पी सी एक्सेट्रा जैसे बड़े पी एस यूज में इलेक्ट्रिशियन को जॉब मिल सकती है आई टी एलेक्ट्रिशियन कोर्स कम्प्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इंटरथ या ट्वेल्थ करके ग्रेजुएशन भी अपना कम्प्लीट कर सकते हैं एन आई ओ एस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में अगर एक स्टूडेंट दाखिला लेता है आई टी आई कोर्स के साथ तो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी के कई सारे यूज़ेस है हमारे डेली लाइफ में लोग इलेक्ट्रिसिटी को लाइटिंग हीटिंग कूलिंग रेफ्रिजरेशन, कम्प्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स और कई जगह यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिना ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है और जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन का होना बहुत ही ज़रूरी है इस वीडियो को बनाया है मिस्टर डी श्रीनिवास सर ने जो कि एटीओ है इलेक्ट्रिशन ट्रेड के और उनको गाइड किया है मिस्टर शेख फयाज़ सर ने जो कि सीनियर एटीओ है एच निज़ाम एच निज़ाम टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैदराबाद के Thank you for watching this video.